कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सुर तो साथ ही होते हैं, लेकिन वो जादूगर जो इन सात सुरों से ऐसा खेल जाएं कि हमारी जिंदगी का दुख दर्द चूम लें, निकाल लें और कह दें कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। आज ऐसे ही सुरों से खेलने वाले जादूगर के साथ उन्हीं के घर पे बैठा प्राउड मोमेंट आज हमारे लिए कि हमारे साथ में है द वन एंड ओनली खयाम साहब। खयाम साहब नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सब जगह आजादी का जुनून था और दूसरी तरफ खयाम साहब के ऊपर जुनून था कि मैं केएल सहगल बन जाऊं। चिश्ती बाबा से मुलाकात करवाने एक साहब हमारे जानने वाले ले गए, तो वो म्यूजिक रूम में, बहुत बड़ा म्यूजिक रूम था उनका, कुछ गुनगुना रहे थे एंड सारा सन्नाटा एक तो ब्यूटीफुल वो बजा रहे थे। और वो उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्होंने अपने सब असिस्टेंट से, म्यूजिशियन से पूछा, अरे भैया मैं क्या टुकड़ा बजा रहा था आप देखिए। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे याद है। पहले तो उन्होंने डांटा, कौन हो तुम, हमको भी नहीं, लेकिन आपसे सिर्फ आपके दीदार करने आपसे मिलने आए हैं, याद सुनाओ। वो सही उनको मिला जो मैंने टुकड़ा, वो म्यूजिकल फ्रेज तो वो सही निकला। वो कहने गए किनसे सीखे तुम और जब मैंने अपने गुरुओं का नाम बताया, पंडित हुसलाल भक्तराम, पंडित अमरनाथ, अरे ते महान भाई, बहुत अच्छी बात, तुम आज से ही मेरे साथ काम करो। लाहौर से अब बंबई कैसे आए वो बताइए। चिश्ती बाबा के साथ काम करते करते हम एचएस रिवेल साहब की कलकत्ते में पिक्चर बन रही थी, वहां गए। अच्छा। और मैं और मेरे सीनियर रहमान साहब, रहमान वर्मा साहब, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम बम्बई कुछ अपने किस्मत आजमाई करें। ठीक है, ठीक है। तो टिकट लिए, ट्रेन में बैठे, आ गए बम्बई। और सबसे पहले आकर हम जो मिले हैं वो पहले सबसे पहले अपने गुरुओं को मिले, पंडित हुसलाल भक्तराम। अच्छा। फिल्मी राजा वली साहब, ममता शांति जी, तो उनको मिलने गए। ऐसे ही वली साहब ने, तुम कुछ कर रहे होते तो मैं तुम्हें ये हीर रांझा दे देता। मैंने कहा जनाब आप कुछ हमें दीजिए, हम कुछ कंपोज कर देते हैं। और उन्हें बहुत पसंद आ गया, इस तरह फिल्म हीर रांझा का म्यूजिक मिल गया। ओ, कभी कभी यानी कि खयाम, साहिर, यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, मुकेश, इन सबका एक साथ मिल जाना और एक ऐसा लैंडमार्क म्यूजिक दे जाना जो आज भी अगर हम रोमांस करते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखिए वो फिल्म कभी कभी का ऐसा म्यूजिक, उसमें दो जनरेशन का म्यूजिक। बात याद आ गई यशी की मुझे, कहते ख्याम साहब आपने जो कभी कभी का म्यूजिक दिया जाए, मैं तो खुश हूँ, वो सब के सब इतने खुश हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया उन्होंने कि अब सबका कहना है वो चिंतू जी के गाने, वो खिलंदड़े, वो खयाम साहब बना सकेंगे। देखिए डाउट पैदा कर दिया यश जी के जहन में दूसरे साहबान ने। मैं चुमका, मैं लिटिल बोल्ड तरीके से मैंने कहा यश जी, मैंने कहा यश जी आपके साथ, आपके पास खयाम है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, आई नो माई जॉब, आई कैन टैकल एनी सब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ सॉन्ग। उमराव जान में आशा जी जो सुनाई पड़ती हैं, जो उनकी आवाज है वो एकदम अलग है और बाकी पूरी उनकी जिंदगी में जो उन्होंने गाया वो एक तरफ, क्या सही है ये सही। तो आशा जी इतना मसरूफ थी जी, दिन की तीन 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 गाने गाती थी। अरे बाप रे, जिस नोट से ना वो गाने, आम गाना रिकॉर्ड करती थी राइट, उससे डेढ़ सौर नीचे उतार दिया, डेढ़ सौर नीचे उतार। अच्छा। नीचे उतार। जब स्टूडियो में आई तो उससे जब गाने लगी तो वो अनिजी, ये ख्याम साहब ने ये मेरा सुर कौन सा रख दिया कहता लफ्ज के भलता ही सुर रख दिया। कहीं ख्याम साहब मैं इस सुर से गा नहीं सकती,
मैंने कहा आशा जी आप को शायद मालूम नहीं, आप आशा जी नहीं है, आप उमराव जान है। साज शुरू हुए, इंट्रो इंट्रो म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक शुरू हुआ और वो एक एटमॉस्फेयर बन गया, वो सरंगियां तारपुरे स्वरमंडल और क्या म्यूजिक शुरू हुआ। उसके बाद आशा जी का आलाप शुरू हुआ, ठीक है, और उस अंदाज से वो आलाप कर रहे, वो जो हमने सिखाया था उनको एग्जैक्ट उन्होंने वैसा ही गाया, ठीक। तो आलाप शुरू हुआ तो आशा जी की आंखें बंद हो गई, शी वाज इन ट्रांस। स्टूडियो में एक टेंशन है कि आशा जी हाँ कहती हैं कि नहीं कहती हैं या छोड़ के चली जाएंगी, यानी ये था। उसने दरवाजे में स्टूडियो का तो वो खुला तो आशा जी ट्रांस से निकली, तो पहले ही उनका शब्द था, कहते ये मैं गा रही थी क्या, मैंने तो ऐसा गाना कभी नहीं गाया, आपने क्या मुझे ट्रेन किया, क्या आवाज को किस तरह लगाना है, कैसे। खयाम साहब, देखिए मैं सबके सामने कहती हूँ ये किसी और का काम नहीं था, ये खयाम साहब ने जो कर दिया। वाह,